नमस्कार दोस्तों, आचार्य चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और विदेशी शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए भारतीय सीमा तक आ पहुंचा था, तब चाणक्य ने राज्यों को एकत्रित किया और अपनी नीतियों से भारत की रक्षा की। साथ ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनकी मुख्य भूमिका रही। तो विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान आचार्य चाणक्य की मृत्यु आखिर कैसे हुई, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। आचार्य चाणक्य का जन्म अनुमानित 376 ईस्वी पूर्व तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, में हुआ। इनके पिता का नाम चाणक और माता का नाम चाणेश्वरी था। विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य जब पैदा हुए तब उनके मुंह में एक दांत था। इसे देखकर जैन मुनि ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का बड़ा होकर एक राजा बनेगा। इसे सुनकर चाणक्य के माता पिता घबरा गए और कहा कि उनका पुत्र एक जैन मुनि या फिर आचार्य बने। तो फिर जैन मुनि ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आप इसके दांत निकाल दें, ये एक महान राज निर्माता बनेगा। आचार्य चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की और 26 वर्ष की आयु में अपनी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति की शिक्षा पूरी की और नालंदा में एक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। चाणक्य को दवा और खगोल विज्ञान का भी विशेष ज्ञान था। उन्हें समुद्र शास्त्र में महारत हासिल थी, जिसके कारण वे किसी भी व्यक्ति के हाव भाव को ही देखकर बता सकते थे कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र में मगध साम्राज्य के नंद वंश के न्यायालय में विद्वान भी बने। लेकिन एक दिन चाणक्य और राजा धनानंद के बीच लड़ाई हो गई, जिसके बाद राजा ने उन्हें भरे दरबार में अपमानित कर दरबार से बाहर निकाल दिया। इस बात से वे इतने आघात हुए कि उन्होंने उसी समय अपनी चोटी खोल दी और प्रण लिया कि मैं नंद साम्राज्य का नाश न कर दूँ तब तक शिखा अर्थात चोटी नहीं बांधूंगा। आचार्य चाणक्य की मुलाकात जब चंद्रगुप्त मौर्य से हुई तब उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की आयु 12 से 13 वर्ष की रही होगी। चाणक्य ने उन्हें कम उम्र में ही शासन करने और समाज कल्याण करने का पाठ पढ़ाया। बाद में मौर्य ने नंदा साम्राज्य का विनाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और 19 वर्ष की आयु में राजा बने, जिन्होंने 23 वर्षों तक अपने साम्राज्य में सफलतापूर्वक शासन किया। विष्णुगुप्त अर्थात आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे ताकि दुश्मन के जहरीले हमलों का उन पर कोई असर ना हो। एक दिन चंद्रगुप्त ने अपनी रानी के साथ भोजन साझा कर लिया, जो उस समय 9 महीने की गर्भवती थी। लेकिन खाने में जहर होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद चाणक्य ने उनका पेट काटकर बच्चे को बचा लिया। इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। आचार्य चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई, इस पर इतिहासकारों की कई सारी मतें हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब जीवन के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य तपस्या में लीन हो गए और बिंदुसार को राजा बना दिया, तब चाणक्य अभी भी मौर्य वंश अर्थात बिंदुसार के सलाहकार बने रहे। चाणक्य और बिंदुसार के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए एक साजिश रची गई, जिसके पीछे बिंदुसार के मंत्री सुबंधु का हाथ था, क्योंकि बिंदुसार चाणक्य को बहुत सम्मान दिया करते थे, जो सुबंधु को पसंद नहीं था। सुबंधु ने बिंदुसार को किसी तरह यह विश्वास दिला दिया कि चाणक्य ने ही उनकी मां की हत्या की थी। फिर क्या था, बिंदुसार बिना कुछ जाने चाणक्य पर क्रोधित हो उठे, जिसके कारण चाणक्य घर बार छोड़कर जंगल चले गए और खाना पीना छोड़ दिया। जब बिंदुसार को हकीकत का पता चला तो वे बहुत शर्मिंदा हुए और उनको मनाने के लिए गए, लेकिन चाणक्य नहीं माने और वहीं भूखे प्यासे घूमते हुए देह त्याग दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वसुधैव कुटुंबकम।